हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स में आज हम लोग एक बहुत ही डाउटफुल स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत ही डाउटफुल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और शायद बहुत से बच्चों के ये मन में ये सस्पेंशन अभी तक बना हुआ है कि आखिर क्या होता है स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। हम किस रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव बोलेंगे, किस रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव बोलेंगे और किसको स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे, ये बहुत डाउटफुल वर्ड है। और इस डाउट को आज हम आपको क्लियर कर देंगे। आपको उम्मीद करिएगा आप आज इस डाउट को क्लियर कर देंगे हम आपको, वीडियो क्लास तक आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक रिएक्शन से इसकी शुरुआत की है, फिर हम डिसाइड करना सीखेंगे आखिर क्या होता है। तो चलिए देखिए, हमने रिएक्शन से शुरुआत की है। ये हमारा क्या है, एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है जिसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है, जिसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो आपको H2PD बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको लिंडेमार कैटलिस्ट बोलते हैं। इस लिंडेमार कैटलिस्ट, ध्यान दें, ये जो लिंडेमार कैटलिस्ट होता है ये एल्काइन को, जो आपको एल्काइन दिख रहा है, इस एल्काइन को किसमें बदल रहा है, एल्कीन में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, एल्कीन में। दैट इज हाइड्रोजनेशन, कैटालिसिस रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर ये लिंडेमान कैटलिस्ट जो प्रोडक्ट दे रहा है वो दो टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है। एक प्रोडक्ट है सिस और एक प्रोडक्ट है क्या है, ट्रांस। और सिस और ट्रांस किसमें आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आते हैं। किसमें आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आते हैं, जो कि एक स्टीरियो आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर यह बना हुआ है कि ये जो एल्काइन्स है ये कोई आइसोमर नहीं शो करता, ये आइसोमर नहीं है। मतलब ये आपका जो रिएक्टेंट है ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर नहीं है, इसमें आइसोमेरिक सेंटर नहीं है। लेकिन जो आपका ये प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें क्या है, दो प्रोडक्ट है, सिज और ट्रांस, जिसमें सिज है 95, ट्रांस कितना है, 5%। कितना है, 5% है। मतलब एल्काइन्स क्या कर रहा है, ये जो एल्काइन्स आपको दिख रहा है लिंडेमान कैटलिस्ट, क्या कर रहा है, सिज एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। किस एल्कीन का, सिज एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। और सिज आप देख रहे हैं इसमें जो आपको दिख रहा है, इस दो स्टीरियो आइसोमर में एक स्टीरियो आइसोमर डोमिनेंट हो रहा है, दैट इज सिज डोमिनेंट किस पर हो गया है, ट्रांस पर। लेकिन जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट आपको दिख रहा है कि कोई भी आइसोमेरिक सेंटर इसके पास नहीं है। नाउ सेकंड देख रहे हैं, अगर यही हाइड्रोजनेशन, ठीक है, लिक्विड अमोनिया इथेनॉल के प्रेजेंटेशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये जो होता है क्या देता है, 95% ट्रांस देता है, जस्ट अपोजिट देता है। और सिस जो होता है कितना देता है, 5% देता है। कितना परसेंट देता है, 5 सिस दे रहा है। जिसका मतलब बताओ, जो ये सिस और ट्रांस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, जिसको स्टीरियो आइसोमर हम कहते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमर में ट्रांस डोमिनेंट है किस पर, सिस पर है, ठीक है, ट्रांस डोमिनेंट है किस पर, सिस पर है। सिमिलरली हम यहां पर देख रहे हैं पार्विक एसिड, पार्विक एसिड कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं होता, ये रिएक्टेंट है। लेकिन ये पार्विक एसिड जो होता है ये क्या बना रहा है, प्लस लैक्टिक एसिड में जा रहा है, जिसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं। तो रिडक्शन जब होता है तो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और जिसमें ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये 100% बनता है। और ये कितना बनता था, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब यहां पर जो आपका डी लैक्टिक एसिड होता है वह ये लैक्टिक एसिड पर क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है। और यहां पर जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं है। तो यहां पर यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो रिएक्टेंट है वो स्टीरियो आइसोमर नहीं है, न तो ऑप्टिकल न तो ज्योमेट्रिकल है। बोलो, न तो ऑप्टिकल न तो ज्योमेट्रिकल है। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो स्टीरियो आइसोमर में आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ में ज्योमेट्रिकल हो रहे हैं, कुछ में क्या हो रहे हैं, ऑप्टिकल हो रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल में सिज और ट्रांस में केवल एक ही डोमिनेंट हो रहा है, या सिज डोमिनेंट हो रहा है या तो ट्रांस हो रहा है, और ऑप्टिकल में या तो टी डोमिनेंट हो रहा है या तो एल डोमिनेंट हो रहा है। इसका मतलब होता है क्या, जो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, सभी स्टीरियो सेलेक्टिव हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है सेलेक्ट करना। किसका सेलेक्ट करना, प्रोडक्ट का सेलेक्ट करना, प्रोडक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। लेकिन इस रिएक्शंस में क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वह स्टीरियो आइसोमेरिक नहीं होगा, वह स्टीरियो आइसोमेरिक नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमेरिक होगा, लेकिन उसमें से क्या होगा, एक जो होगा दूसरे पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो चलिए स्टीरियो सेलेक्टिव का, सबसे पहले स्टीरियो सेलेक्टिव का डेफिनेशन ही देख लेते हैं आखिर ये क्या कहती है।
इट इज प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, मतलब लिडमोर कैटलिस्ट का जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है एल्काइन का, वो क्या देता है, सिज प्रोडक्ट देता है। और जो आपका क्या होता है एल्काइन का, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बच रिडक्शन कराएंगे, तो वहां पर क्या मिलेगा हमें, ट्रांस मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रांस, डोमिनेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया इट इज प्रोडक्ट सिलेक्टिव रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट मे नॉट हैव स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियोआइसोमर जब ना तो वो जिमेटिकल रखता है ना तो ऑप्टिकल रखता है, अभी बताया गया, बट प्रोडक्ट हैव स्टीरियोआइसोमेरिज एंड वन स्टीरियोआइसोमर डोमिनेंट ओवर अदर। प्रोडक्ट स्टीरियोआइसोमर होगा, उसमें एक क्या होगा दूसरे पर डोमिनेंट होगा, अगर वो जिमेटिकल होगा सिज ट्रांस में, केवल सिज होगा तो ट्रांस पर डोमिनेंट हो जाएगा, एक ज्यादा होगा एक क्या होगा कम, जिसको हम मेजर और माइनर कहते हैं। तो ये रहा स्टीरियो सिलेक्टिव का प्रश्न, स्टीरियो सिलेक्टिव का हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव उस रिएक्शन बोलते हैं जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट में स्टीरियोआइसोमर नहीं होता लेकिन प्रोडक्ट स्टीरियोआइसोमर होते हैं, जिसमें से क्या होगा एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट क्या होगा डोमिनेंट होगा, ऐसे रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आपको सामने करते हैं, चलिए अब देखते हैं आखिर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सिड एडिसन रिएक्शन एल्कीन का, एल्कीन का सिड एडिसन रिएक्शन कराया जा रहा है कि जो कि एल्कीन आपको हम दो टर्म दिखा रहे हैं, एक सिस फॉर्म में है दूसरा ट्रांस फॉर्म है, और जिसके साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बीयर रीजन का इस्तेमाल कर, किसका रीजन का इस्तेमाल कर, बीयर रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सिस से क्या मिल रहा है मीजो मिल रहा है, और ट्रांस से क्या मिल रहा है रेसिविंग मिक्सचर मिल रहा है, रेसिविंग मिक्सचर मिल रहा है। तो सबसे पहले आप देखें कि सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, और मीजो और डीएल क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, जिसका मतलब सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि यहां पर अगर ये देखा जाए जो रिएक्टेंट है वह भी स्टीरियो आइसोमर है, बोलो स्टीरियो आइसोमर है, ये भी स्टीरियोआइसोमर है, स्टीरियोआइसोमर है, स्टीरियोआइसोमर ये भी दिख रहा है, स्टीरियोआइसोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल या कॉन्फर्मेशनल भी हो वो स्टीरियम होते हैं। अब बताओ ये वाले भी क्या है, प्रोडक्ट साइड वाले भी क्या है स्टीरियम है, प्रोडक्ट साइड वाले भी क्या है स्टीरियम है। अब रहा प्रश्न हम कैसे डिसाइड करें कि कोई एल्कीन जो होता है कौन सा एल्कीन किस टाइप का प्रोडक्ट दिखता है ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब यहां पर ज्योमेट्रिकल किस में जा रहा है ऑप्टिकल में जा रहा है। तो जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं सिल टाइप के एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या बनाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले आप सीखना चाहेंगे आखिर हम कैसे सिस से मेजो फॉर्म कैसे हो गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला सिस का मतलब होता है सेम साइड, सिस का मतलब होता है सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो सिम साइड के लिए हमेशा हम साइन का इस्तेमाल क्या करते हैं पास टू करते हैं, क्या करते हैं पास टू करते हैं, सिज मतलब क्या होता है पास टू, और सिन का मतलब क्या होता है सिम साइड का मतलब क्या होता है पास टू। और मैं आपको बता देता हूं जब मैथमेटिक्स का रूल कहता है जब पास टू बीच मल्टीप्लीकेशन होता है अगर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है पास टू। तो जब पास टू होगा हमेशा क्लियर करें पास टू जब होगा तो हमेशा ध्यान दें वह ज्योमेट्रिकल क्या देगा ऑप्टिकल में मीजो देगा, वह ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में क्या देगा मीजो देगा, ये तो ऑप्टिकल है ना ऑप्टिकल में क्या देगा मीजो देगा, और ये क्या था बताओ ज्योमेट्रिकल, क्या है ज्योमेट्रिकल। अज्यूम करो ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है नेगेटिव, सिन का मतलब सेम साइड का मतलब होता है पॉजिटिव। अब मैथमेटिक्स का रूल कहता है नेगेटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव यहां पर मतलब क्या होता है अज्यूम कर लो नेगेटिव के लिए ऑप्टिकल में रेसिविंग मिक्सचर, रेसिविंग मिक्सचर का मतलब भी बनेगा और यल भी बनेगा। ये ट्रिक का इस्तेमाल आप हमेशा करें, हमेशा मैक्सिमम आप, मैं कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन का सलूशन आप इसी ट्रिक से कर सकते हैं, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके। सिस का मतलब पास टू, सिम भी क्या होता है पास टू, पास टू पास टू भी जो होगा तो पास टू बनेगा, और वो पास टू जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो मीजो होगा, क्या होगा पास टू अगर ऑप्टिकल आ रहा है तो मीजो होगा, और निगेटिव आ रहा है तो मिक्सर होगा डी और यल होगा। तो बताओ यहां पे क्या है बताओ सिज मतलब पास टू है, कौन सा रिएक्शन करेगा सिन करेगा पास टू, और पास टू क्या बना ऑप्टिकल में क्या बना पास टू मतलब मीजो। नाउ नेक्स्ट आप देख रहे हैं ट्रांस है, ट्रांस मतलब क्या होता है निगेटिव, और ये सिन एडिशन करेगा सिन मतलब पास टू और निगेटिव, तो पास टू और निगेटिव क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा जिसमें डी और एल बन रहे हैं जो कि क्या है ऑप्टिकल आइसोमर है। अब प्रश्न ये बना कि मैं
तो डी और एल बनेगा, देख सकते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने में क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव क्या होता है, रेसिव मिक्सर होता है। अभी ट्रिक मैंने देखा, फिर देखिए क्या होता है कि ट्रांस है, ट्रांस मतलब निगेटिव है, और एंटी मतलब अपोजिट, निगेटिव 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 का मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के लिए मैंने बताया ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, मीजो होगा, क्या होगा, मीजो होगा। तो दैट इज क्या होता है कि एल्किन से जो हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हम ऑप्टिकल आइसोमर बना रहे हैं, सिन एडिशन से और सिन एंटी से, सिन एडिशन से और सिन एंटी से, जिसमें रिएक्टेंट भी स्टीरियो आइसोमर है, प्रोडक्ट भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। इसका मींस जो ऐसे रिएक्शन जो हमें दिख रहे हैं, आप इन्हीं रिएक्शंस देखें, रिएक्टेंट भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर है, प्रोडक्ट भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्टीरियो आइसोमर, एक पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर क्या देता है, पार्टिकुलर प्रोडक्ट देता है। तो बताइए इस रिएक्शन, इट इज रिएक्टेंट सेलेक्टिव, ये किसको सेलेक्ट करता है, रिएक्टेंट सेलेक्टिव होता है, मतलब रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। मतलब सिज अगर है और सिन एडिशन कर रहा है, सिज और सिन, तो सिज और सिन प्लस और प्लस, तो क्या बनेगा, प्लस और प्लस से क्या बनेगा, प्लस, प्लस में ऑप्टिकल में क्या होता है, मीजो होगा, प्लस में क्या होगा, मीजो होगा। मतलब इट इज रिएक्टेंट सेलेक्टिव, मतलब रिएक्टेंट डिसाइड कर देगा प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट आर स्टीरियोसोमर, रिएक्टेंट क्या होता है, स्टीरियोसोमर होता है, और वो जो देता है प्रोडक्ट वो भी क्या है, स्टीरियोसोमेरिक प्रोडक्ट होता है, स्टीरियोसोमेरिक प्रोडक्ट होता है। मतलब ज्योमेट्रिकल रिएक्टेंट क्या देता है, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल रिएक्टेंट क्या देगा, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल रिएक्टेंट क्या देगा, ज्योमेट्रिकल। कुछ ऐसी टर्मोलॉजी देखी जाती है, एज्यूम कर लो अगर कोई सिज रिएक्टेंट है, वो सिज रिएक्टेंट है, अगर वो मीजो देगा, अगर वो उसका सिज, किसी भी रिएक्टेंट का सिज मीजो दे रहा है, उसी सबस्टेंस का ट्रांस क्या देगा, डी और यल देगा। अगर ये मीजो दे रहा है तो ये क्या देगा, डी और यल देगा। लेकिन एज्यूम कर लो अगर इसका क्या होगा, सिज का अगर डी यल देगा तो उसका ट्रांस क्या देगा, मीजो देगा। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, सेम टू सेम। अगर थ्रियो क्या दे रहा है, सिज दे रहा है उस सबस्टेंस का, तो थ्रियो क्या देगा, ट्रांस देगा, थ्रियो क्या देगा, ट्रांस देगा। और अगर ट्रांस अगर दे रहा है, थ्रियो ट्रांस दे रहा है, तो थ्रियो क्या देगा, सिज देगा, जस्ट अपोजिट देगा। अब इसका प्रोडक्ट बताने का सिंपल तरीका, हमारे इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, मल्टीप्लीकेशन जो आप फार्मूले का इस्तेमाल करें, प्लस प्लस माइनस माइनस वाला इस्तेमाल करें, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मैंने इसका एग्जांपल लिया है। तो बताओ इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड बाहर जा रहा है। तो बताओ रूल्स क्या होता है, इथ्रियो का मतलब होता है सेम, और थ्रियो का मतलब होता है अपोजिट। तो इथ्रियो जब सेम होगा, सेम साइड मतलब पॉजिटिव, और थ्रियो मतलब होता है अपोजिट निगेटिव। तो ध्यान दें, इथ्रियम आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा। एंटी का मतलब क्या होता है, निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, निगेटिव होगा, मैथमेटिक्स का रूल कहता है। और निगेटिव में क्योंकि इथ्रियो ऑप्टिकल होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल होता है, ये क्या हो जाएगा, कौन सा ज्योमेट्रिकल देगा, ट्रांस देगा, क्या देगा, ट्रांस देगा। अब बताओ थ्रियो क्या होता है, थ्रियो का मतलब जब क्या हो, अपोजिट साइड ग्रुप हो, दो ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड है। तो थ्रियो क्या होता है, अपोजिट, निगेटिव, एंटी मतलब निगेटिव, क्या बनाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सिस, पॉजिटिव मतलब सिस, मतलब इस ऑप्टिकल का, इस ऑप्टिकल जो सिज होगा था, ज्योमेट्रिकल होगा, क्या होगा, सिज होगा। तो चलो देखो क्या होता है, इथ्रियो क्या कर रहा है, एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। एंटी पेरिप्लेनर रिएक्शन किसमें पाया जाता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा जाता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशंस, बीटा पोजीशंस क्या होता है, हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या होता है, ब्रोमीन, दैट इज हैलाइड, बाहर जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस इथ्रियो में देखा जाए, इथ्रियो मतलब पॉजिटिव, एंटी मतलब क्या, एंटी पेरिप्लेनर मतलब अपोजिट होगा, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, जिसका क्या होगा, क्योंकि इथ्रियो क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है। अब बताओ क्या देगा, ज्योमेट्रिकल किसको देगा, निगेटिव मतलब ट्रांस को देगा, किसको देगा, ट्रांस को देगा। सिमिलरली थ्रियो क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है, थ्रियो मतलब निगेटिव। अब बताओ कौन सा होगा रिएक्शन, एंटी पेरिप्लेनर होता है, एंटी पेरिप्लेनर मतलब क्या होगा, ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, सिज होता है। तो हमें क्या मिल गया बताओ, सिज एल्कीन मिल गया,
क्या मिल गया? सिज एल्किन मिल गया। बहुत ही डाउटफुल ये प्रश्न होता है, जिसका मतलब बताओ स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव में हमने क्या अंतर देखा। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है बताइए, स्टीरियो सिलेक्टिव किसको सिलेक्ट करता है? प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, मतलब वो डायरेक्ट बताएगा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। और उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो स्टीरियो आइसोमर होता है, लेकिन रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर नहीं होता। लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में क्या होते हैं, ये क्या होता है, रिएक्टेंट सिलेक्टिव होता है और इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों स्टीरियो आइसोमर होते हैं। अगर रिएक्टेंट हमारा स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्टिकल होगा। अगर हमारा रिएक्टेंट ऑप्टिकल है तो प्रोडक्ट क्या होगा, ज्योमेट्रिकल होगा। लेकिन यहां पर यह भी केयर करना है कि ज्योमेट्रिकल में सिज और ट्रांस होते हैं तो सिज केवल क्या करेगा, ऑप्टिकल में एक ही प्रोडक्ट देगा, या तो मीजो देगा या तो रेसिपिक मिक्सर देगा, और ट्रांस भी क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट देगा, या तो मीजो देगा या तो ट्रांस रेसिपिक मिक्सर देगा। सिमिलरली इथ्रियो और थ्रियो में होता है, अगर इथ्रियो क्या देगा, सिज देगा, तो थ्रियो क्या देगा, ट्रांस देगा। ये क्या है, इसी बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। प्री स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। प्रत्येक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव कहा जाता है, लेकिन सभी स्टीरियो सिलेक्टिव इसका बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता। मतलब स्टीरियो सिलेक्टिव क्या हो, स्टीरियो स्पेसिफिक हो, ये सही नहीं है।